129, ठीक है, इस फिगर को अभी हम लोग देखेंगे, 129 फिगर को। इस कनेक्टिंग लिंक, कौन कनेक्टिंग लिंक है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के बीच का कनेक्टिंग लिंक क्या है, ये सब कपल रिएक्शन जो है कनेक्टिंग लिंक है। The pathways of enzyme catalyzed reaction that act on main constituent of the cells, proteins, fats, sugar, nucleic acid are virtually identical in all living cell organisms. तो ये पाथवे, एनाबोलिक पाथवे जो है आपका प्रोटीन सिंथेसिस का, फैट का, शुगर का, न्यूक्लिक एसिड्स का, ये सब चाहे वो सिंपल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो या मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स सच एज मैमल्स, ओके, तो उस सब में पाथवे जो है सेम ही है। ऑल्दो एंजाइम्स थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, आइसो एंजाइम्स, बट वो आइसो एंजाइम का भी तो फंक्शन एक ही होता है, बस फर्क यही होता है आइसो एंजाइम की, सपोज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो वो ड्रोसोफिला में भी वही काम कर रहा है जो आपके सेल में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, फंक्शन एक ही है, बट दोनों का स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड कंपोजिशन इज लिटिल डिफरेंट। तो आप कह सकते हो कि पाथवे तो सेम ही है, एंजाइम चूंकि इवोल्यूशनरी वो काफी दूर है तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बट स्टिल द फंक्शन इज सेम। मेटाबॉलिज्म इज रेगुलेटेड टू अचीव बैलेंस एंड इकोनॉमी, दिस इज द नेक्स्ट सिस्टम है, तुरंत कुछ नहीं है ये, बस आप देख लीजिए। नॉट ओनली डू लिविंग सेल्स साइमल्टेनियसली सिंथेसाइज थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। सर ये फिगर को नहीं समझाइएगा। ओह अच्छा 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 सही है, 129 देखो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप देख लीजिए, दिस इज द कैटाबोलिक रिएक्शन पैनल एंड दिस इज द एनाबोलिक रिएक्शन पैनल, दिस एरो साइन इज सेइंग दैट आपका यहाँ इसमें एनर्जी इज कंज्यूम्ड एंड इन दिस कंज्यूम्ड रिलीज्ड एनर्जी इज रिलीज्ड हियर, डेल्टा एस इज व्हाट, एंट्रोपी क्या हो रहा है बताओ, डिक्रीजिंग और डेल्टा एस इज इंक्रीजिंग एंड इन दिस डेल्टा एस इज डिक्रीजिंग, सो नाउ यू कैन सी दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट सच एज एनएडी और एनएडीपीएच एंड एनर्जी करेंसी सच एज एटीपी, these are the connecting links between these two pathways, okay, due to the anabolic pathway this will be produced what, oxidized form of the reduced form of your oxidation reduction agent, and in the catabolism oxidized form will be taken and the reduced form will be produced, this is the oxidized form NAD plus and NAD H plus is the reduced form, okay, so reduced form isme generate hua aapka, to yahan par ye electron carrier hai, electron mein jo energy hai, potential energy hai, that is being carried away in this, so that energy will be either utilized for further production of ATP in the inner mitochondrial matrix, or that reduced agent can be utilized for the other types of anabolic reactions. So this is a connecting link also. देखिएगा सब पाथवे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इन द सेम टाइप ऑफ पाथवे यू विल फाइंड, अगर ग्लाइकोलाइसिस को ही आप देख लो तो उसमें आप देखोगे क्या होता है, पे ऑफ फेज में तो दो एटीपी खर्च हो गया और पेइंग फेज में यहाँ पर आपका फ्रुक्टोज 1,6 बिफॉस्फेट इज नाउ हाइड्रोलाइज इनटू ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सेकेंड वन वाला क्या था
डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट दोनों के बीच में आइसोमराइजेशन हो जाता है, आइसोमरेज एंजाइम से, दोनों एक ही चीज है, तो दो हो गया ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फर्दर गोज इन द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, और एंड प्रोडक्ट इज पाइरुवेट. बीच में और अदर सबस्टेट्स आर देयर सच एज फॉस्फोनिलो पाइरुवेट एटसेट्रा एटसेट्रा. तो आप जब पेइंग फेज को देखोगे, ग्लाइकोलाइसिस को देखोगे, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ टू रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडी प्लस. ओके, तो ये तो आपका हो गया कैटाबोलिज्म में प्रोड्यूस प्रोडक्शन हो गया रिड्यूस फॉर्म का. अब एनाबोलिक, अब इसका क्या काम है, ये प्रोडक्शन होकर क्या करेगा, ठीक था यहीं पर रहता, क्या जरूरत है इसका, इससे क्या फायदा हुआ. यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसमें जो एनर्जी, ये ट्रैप हो गया यहाँ पर. और ये जो है इसका दो फेट है, या तो ये कंज्यूम हो जाए एनाबोलिक रिएक्शन में, अनदर फेट इज दैट इफ इट इज नॉट गेटिंग कंज्यूम तो सेल के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन इसका होना भी खतरा है, तो सेल क्या मतलब दैट इज नॉट फेवरेबल. एंड व्हाट सेल डज इज इट आइसोलेट्स और हार्वेस्ट द एनर्जी कंटेंड इन दिस एंड एटीपी फॉर्मेशन अकर्स. आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट उस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब पढ़ाएंगे तो आप देखोगे कि कैसे एक प्रोटॉन का पूल जो है क्रिएट हो जाता है F1 F0 ATPase के अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया और प्रोटॉन पंप की तरह वो काम करता है F1 F0 ATPase. तो प्रोटॉन पंप जब है तो उस पंप से F1 ATPase, जैसे गाड़ी में क्लच होता है ना लोहा का, एक आप दबाओगे तो अंदर में इंजन में क्लच का मैकेनिकल पार्ट विल ऑल्सो मूव. सो F1 F0 प्रोटीएज में भी बहुत सारे सब यूनिट्स होते, इट्स लाइक क्लच, घूमते रहता है वो प्रोटोन पंप. आपको दिखाएं फोटो में देखोगे तो समझ में आएगा, वो घूमता है, एक प्रोटोन पास करता है तो थोड़ा सा घूमा, दूसरा प्रोटोन पास के और घूमा, फिर पास किया और घूमा, ऐसे करके प्रोटोन जैसे पानी टरबाइन को नचाता है वैसे प्रोटोन इसको नचाता है F1 F0 ATPase. तो ATP का प्रोडक्शन कोई आसान काम नहीं है, आपको लग रहा होगा साधारण चीज है, कोई नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उसको हम जब पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको. और देखिए फिर इस प्रोसेस में क्या होता है, कैटाबोलिक जब रिएक्शन हो रहा है तो आप अंत में क्या बचा, वन कार्बन मॉलिक्यूल लास्ट फेट है उसका, एंड वाटर वेपर विल बी रिलीज्ड. और क्योंकि आप अमाइनो एसिड्स भी ले रहे हैं, प्रोटीन, एक नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी है आपके बॉडी में, क्योंकि नाइट्रोजन इज एन एटम फॉर, अगर अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होगा तो नाइट्रोजन तो चाहिए आपके बॉडी में. ओके, नाइट्रोजन इज एसेंशियल, डीएनए में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है, तो नाइट्रोजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी. तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो काम चलेगा, नाइट्रोजन कहाँ से आएगा. ओके, तो नाइट्रोजन कम्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स. तो अब नाइट्रोजन आ रहा है अमाइनो एसिड से, तो इस नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म भी होता है, नाइट्रोजन का जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो अब एनिमल टू एनिमल डिपेंड करेगा. पहले तो आप पढ़ाएंगे आपको यूरिया पाथवे, यूरिक एसिड पाथवे, ओके, अमोनिया, तो जो एक्वेटिक है एनिमल उसमें तो अमोनिया बना के रिलीज कर देता है तुरंत, क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, तो जैसे ही बना तो वैसे ही ये, क्योंकि एक्वेटिक है तो निकाल दिया तुरंत. लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ये हार्म कर देगा, अमोनिया इज क्वाइट टॉक्सिक. तो इस अमोनिया को कन्वर्ट करके, या तो पक्षी है तो यूरिक एसिड और ये है तो यूरिया मैमल्स है, तो ये हम पढ़ेंगे बाद में. तो नाइट्रोजन का वेस्ट है ये एलिमिनेट हुआ. CO2 कहाँ से आया, कार्बन डाइऑक्साइड से. NH3 कहाँ से आया, अमाइनो एसिड. H2O जो भी ब्रेकडाउन हुआ उसमें हाइड्रोलिसिस हुआ तो एक H2O मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस्ड, तो 1H2O आया. और साथ ही साथ सिंपल प्रोडक्ट्स जैसे ओके प्रीकर्सर्स ये सब भी प्रोड्यूस हुए इसमें कैटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से, जो कि एनाबॉलिक रिएक्शन में काम आएगा प्रीकर्सर्स. ओके, जैसे एक अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर अमाइनो एसिड. फॉर एग्जांपल थ्रियोनिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइसोलेसिन इन 5 steps. वन अमाइनो एसिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर अमाइनो एसिड इन 5 steps. तो ये हो गया आपका एनाबोलिज्म, यहाँ से यहाँ थ्रियोनिन से आइसोलेसिन.
तो इस एनाबोलिज्म को हम सिंपल प्रोडक्ट से बाद में यहीं से कुछ बाईपास कर लिए, जैसे पायरुविक एसिड से हम बना सकते हैं, सेल के अंदर बनता है ऑक्जेलो एसिटेट भी। ओके, ऑक्जेलो एसिटेट से बहुत सारा अमाइनो एसिड डिराइव होता है, अलानिन ये सब बन सकता है। तो ये सब आप देखेंगे ब्रांचिंग है इसमें। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये हुआ, कैटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा एनर्जी रिलीज हुआ और एंड में वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हुआ, या तो वेस्ट प्रोडक्ट चला गया एटमोसफेयर में, डिस्कार्ड कर दिया गया वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे CO2 NH3 ये सब डिस्कार्ड हो गया, H2O तो बॉडी में लग जाएगा, और सिंपल प्रोडक्ट्स भी लग गया एनाबॉलिक रिएक्शन, जो एनाबॉलिक रिएक्शन में नहीं लगा जो बच गया वो वेस्ट हो जाएगा फिर। और एनाबॉलिक में आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो इन एनर्जी रिक्वायरमेंट किस लिए, ऑस्मोटिक वर्क आपके बॉडी में हो रहा है, ऑस्मोटिक वर्क बहुत ज़्यादा। ओके, कैसे, क्योंकि आपका ब्लड में वाटर बहुत ज़्यादा, कैसे वाटरी कंटेंट ब्लड में मेंटेन किया हुआ है, क्यों नहीं वो टिश्यू में चला जाता है सारा वाटर और पूरा आप फूल करके रसगुल्ला जैसा हो जाओ। ओके, ऐसा तो नहीं होता है, वाटर इज कंटेंट इनसाइड द ब्लड वेसल ओनली। तो ये ऑस्मोरेगुलरिटी भी मेंटेन्ड है, मैकेनिकल वर्क, आप स्केलेटल मसल जो है आपका घूमता है, मैकेनिकल वर्क कर तो ATP खर्च होता है, मसल कंस्ट्रक्शन है, ये सब प्रोसेस में यूज, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल का सिंथेसिस, DNA RNA प्रोटीन या अदर सेलुलर वर्क, जैसे कोई सेल लाइट निकाल रहा है, कोई सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है जैसे नर्व सेल, तो ये सब में ये काम आ जाएगा। तो सेंट्रल रोल ऑफ ATP एंड NADPH इन मेटाबॉलिज्म। ATP इज शेयर्ड केमिकल इंटरमीडिएट लिंकिंग एनर्जी रिलीजिंग एंड एनर्जी कंज्यूमिंग सेलुलर प्रोसेसेस। इट्स रोल इन द सेल इज एनालॉगस दैट ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। ओके, इट इज अर्नड produced in exergonic reaction and spent or consumed in endergonic ones. लेकिन ये वाले जो हैं oxidation reduction agents NAD और NADPH, nicotinamide, adenine, dinucleotide, phosphate, ये vitamin का derivative है। That is why vitamins are essential for your body because you cannot synthesize them. Nicotinamide आप नहीं synthesize कर सकते हैं, adenine वगैरह आप लगा दोगे इसमें, लेकिन nicotinamide आपका vitamin से आता है। Okay, is an electron carrying cofactor that collects electrons from oxidative reactions and then donates them in a wide variety of reactions in biosynthesis. Present in relatively low concentration, these cofactors essential to anabolic reaction must be constantly generated by catabolic reactions. ठीक है, NADPH और ये सब reduced form जो है NADH या NADPH, ये सब anabolic pathway में लगता है लेकिन produce होता है catabolic pathway में। अब देखिए, समझ में आया, कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना तो नहीं है आप लोगों को? आगे बढ़े? यस सर, यस सर। ठीक है। Not only do living organisms simultaneously synthesize thousands of different kinds of carbohydrate, fat, protein and nucleic acid molecules and their simpler subunits, but they do so in precise proportions. अब रेगुलेशन की बात ये कर रहा है, ऐसा नहीं कि एंजाइम का रिएक्शन रेट बहुत ज्यादा है, मिलियन बिलियन टाइम्स ज्यादा है अनकैटलाइज्ड वन से, तो वो बिना कोई कंट्रोल के है। अगर कंट्रोल हट जाएगा तो काफी हानि हो जाएगा सेल को, क्योंकि रेट इज वेरी फास्ट, सो देयर इज अ कंट्रोल आल्सो ओवर देयर। ओके, प्रिसाइज प्रोपोर्शंस, बिकॉज दे डू सो इन द प्रिसाइज प्रोपोर्शंस रिक्वायर्ड बाय द सेल अंडर एनी गिवन सर्कमस्टांस। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग रैपिड सेल ग्रोथ द प्रिकर्सर्स ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स मस्ट बी मेड इन लार्ज क्वांटिटीज, वेयर एज इन नॉन ग्रोइंग सेल्स द रिक्वायरमेंट फॉर these precursors is much reduced. Terminally differentiated cell है तो उसका requirement कम होगा, कम
और कोई ग्रोइंग सेल है तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है। लेकिन मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन दोनों जगह है। यहां पर क्या कर दिया, उस एंजाइम के जीन को सट कर दिया, चुप कर दिया, जहां पर जरूरत ही नहीं है तो उसका जीन एक्सप्रेशन ही नहीं होगा, एंजाइम विल बी अब्सेंट इन दैट सेलुलर सिस्टम व्हिच इज टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल। बट इन ए ग्रोइंग सेल व्हाई दैट विल बी सट, ऑल काइंड्स ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स विल बी देयर इन दैट सेल, ऑल प्रमोटर रीजन्स पर सब ओपन रहेगा, उसका एनहांसर एलिमेंट्स ओपन है, प्रमोटर रीजन इज रीजन इज एसेसेबल, इनिशिएशन फैक्टर्स का जो जीन है वो सब भी एक्सप्रेस हो रहा है तो इनिशिएशन फैक्टर बन रहा है, तो इनिशिएशन फैक्टर स्टार्ट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन। वहां पर पूरा खुला मैदान है ग्रोइंग सेल में, सब जीन जो है, सब नहीं कहिए, मेजोरिटी ऑफ द जीन्स आर एक्सप्रेसिंग। Key enzymes in each metabolic pathway are regulated so that each type of precursor molecule is produced in a quantity proportionate, appropriate to the current requirement of the cell. Consider the pathway of E. coli that leads to the synthesis of amino acid isoleucine, a constituent of protein. The pathway has five steps catalyzed by this A to F. देखिए, ये कह रहा है यहाँ पर, देखिए सपोज, अब देखिए इतना एंजाइम पांच स्टेप का ये प्रोसेस है, थ्रियोनिन से आइसोल्यूसिन, हर स्टेप में एक एंजाइम है, एंजाइम टू थ्री फोर एंड फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच एंजाइम लगा। तो जरूरी नहीं है कि एक एंजाइम जो है, जैसे डी और ई के बीच में जो एंजाइम है, That enzyme will not be under the regulatory control. कोई जरूरी नहीं है। अगर वो enzyme, that enzyme is only specific to this one. अगर यहाँ पर कोई branching नहीं है, suppose करो कि this D is also the precursor of I, which is a part of another pathway, and D is also consumed in this pathway, D is also consumed in another pathway. Then that enzyme, यहां वाला एंजाइम जो डी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट एंजाइम विल बी अंडर द कंट्रोल, जेनेटिक कंट्रोल, रेगुलेटरी कंट्रोल। ओके, बट सपोज करो अभी एक एंजाइम यहां बी और सी के बीच में, बी किसी का पार्ट नहीं है, सिर्फ इसी पाथवे का पार्ट है, इंटरमीडिएट है, एंड सी इज बी, तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो एंजाइम है वो उसका कोई खास रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं रहेगा, अगर बी बन गया वो कन्वर्ट कर देगा। द पाथवे हैज फाइव, ये अब देखिए क्या लिख रहा है, इफ ए सेल बिगिंस टू प्रोड्यूस मोर आइसोल्यूसिन देन इट नीड्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, द अनयूज्ड आइसोल्यूसिन एक्युमुलेट्स एंड द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन इनहिबिट्स द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट एंजाइम इन द पाथवे immediately slowing the production of I solution. Such feedback inhibition keeps the production and utilization of each metabolic intermediate in the balance. दो तरीका है, F ज्यादा मात्रा में बन गया, अब जरूरत नहीं है सेल को, तो F the end product of this pathway can function as an inhibitory molecule for the first enzyme. पहला एंजाइम को सेट करो, इसके लिए हो सकता है वो इनहिबिटरी मॉलिक्यूल के रूप में फंक्शन करता हो, यहाँ रेगुलेटरी, या नहीं तो एफ जो का कंट्रोल एक तो प्रोटीन लेवल पर हो गया, या नहीं तो ये जो प्रोडक्ट आ रहा है इसका कंट्रोल जेनेटिक लेवल पर इफेक्ट, तो वहां पर इसके जीन को साइलेंस करने में भी इसका रोल हो सकता है। वो कहने का मतलब हुआ, चाहे जेनेटिक रास्ता से रेगुलेशन हो, चाहे प्रोटीन के लेवल पर रेगुलेशन हो, रेगुलेशन जो है वो हो रहा है एंड प्रोडक्ट से, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ रेगुलेशन। क्या है, कैसा रेगुलेशन है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ ज्यादा तो ये कम, एंजाइम वन कम, और एंजाइम वन अगर ज्यादा है तो एफ भी ज्यादा बनेगा, तो एफ ज्यादा बन गया तो ये एंजाइम वन को
इनहिबिट कर रहा है, तो ये किस टाइप का रेगुलेशन है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? Which type of regulation? Negative होगा. Negative regulation है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एंजाइम जितना ज्यादा एंड प्रोडक्ट बन रहा है ये और ज्यादा एंजाइम वन को प्रोड्यूस प्रमोट कर रहा है कि और रिएक्शन. सर तो सर इसमें ये एंजाइम वन तो मोस्ट इफेक्टिव होगा ना एंजाइम. हाँ, इस केस में मतलब एंजाइम वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन. की एंजाइम कह रहा है कि जो की एक पूरे पाथवे में जहां पर ब्रांचिंग होता है ना, बताया अभी एक का प्रोडक्ट दूसरे का अगर रिएक्टेंट है, कोई ब्रांचिंग है अलग पाथवे में भी उसका प्रोडक्ट यूटिलाइज हो रहा है इंटरमीडिएट, तो उस ब्रांचिंग का जो पाथवे होगा दैट विल बी अंडर द रेगुलेटरी कंट्रोल. ओके, तो ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है क्योंकि आइसोल्यूसिन ज्यादा हो रहा है तो एंजाइम वन कम हो रहा है. ऐसा नहीं हो रहा है कि आइसोल्यूसिन ज्यादा हुआ तो ये भी ज्यादा हो गया, वो हो जाता पॉजिटिव फीडबैक. निगेटिव फीडबैक तो इफ मतलब एंजाइम वन डिक्रीज हो रहा है सर उसका सिंथेसिस. हाँ, ये देखो यहाँ लाल रंग का क्रॉस मार दिया. एज द कंसेंट्रेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेस इट हैज इफेक्ट ऑन द रेगुलेटरी एंजाइम इन ए निगेटिव वे. इसका कंसेंट्रेशन बढ़ा तो इसको ये इनहिबिट करेगा. इफ ए सेल बिगिंस टू प्रोड्यूस, इसी तरह का निगेटिव इन फीडबैक मैकेनिज्म आपके हार्मोनल कंट्रोल में भी है, देखने को मिलेगा. देखे हो, पढ़ाए हैं आप लोगों को पिट्यूटरी हार्मोन जब ज्यादा निकला, इस्ट्रोजेन ज्यादा निकलता है तो वो क्या करता है, इस्ट्रोजेन स्टिमुलेट करता है और ज्यादा वहां पर क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. इस्ट्रोजेन इज नाउ रिलीजिंग द आपका कौन सा हार्मोन, LH और FSH की नहीं भूल गए हो, इस्ट्रोजेन जो है LH और FSH और प्रोलेक्टिन को रिलीज करता है. और प्रोजेस्टेरोन का क्या है, निगेटिव फीडबैक है, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा तो ये कम होगा. If a cell begins to produce more isoleucine than it needs for protein synthesis, the unused isoleucine, मतलब end product जो है of that pathway, end product of the pathway, ठीक है, end product of the pathway का मतलब last वाला product, these are the intermediate products of this pathway. The increased concentration inhibits the catalytic activity of the first enzyme in the pathway, immediately slowing the production of isoleucine. Such feedback inhibition keeps the production and utilization of each metabolic intermediate in balance. इसी तरह balance को ये maintain करता है. Throughout this book, we will use this sign to indicate inhibition of an enzymatic reaction. Although the concept of discrete pathway is an important tool for organizing our understanding of metabolism, it is an oversimplification. कैसे? देखिए, there are thousands of metabolic intermediates in a cell, and many of which are part of more than one pathway. So, metabolism would be better represented as a web of interconnected and interdependent pathways. चूंकि बहुत सारा मेटाबॉलिक पाथवेज है, पढ़ाए हैं आपको मेटाबोलोम्स है, ठीक है, स्मॉलर माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है वो सब मेटाबोलोम का पार्ट है. फिर क्या है, ग्लाइकोम है, बड़े वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ग्लूकोज स्टार्च, ग्लाइकोम है. ओके, और कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, वो भी ग्लाइकोम का हिस्सा है, लाइपोडोम है, प्रोटियोम है, जीनोम है. तो एक पूरे सेल के सारे प्रोसेसेस जो हो रहे हैं वो सब कोई अकेला नहीं है, सब इंटरडिपेंडेंट. अगर किसी एक पाथवे में कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो उसका एक होलिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलता है ऑन अदर पाथवेज ऑल्सो. तो इसको फिर हम समझने, कोई एक पाथवे को आप समझोगे तो ऐसा नहीं है कि आप उस
प्रक्रिया को समझ गए। ग्लाइकोलाइसिस आप पढ़ लिए तो ऐसा नहीं है कि आप ग्लाइकोलाइसिस समझ गए इन विवो, नहीं, आप ग्लाइकोलाइसिस इन विट्रो पर है। इन विवो में ग्लाइकोलाइसिस पाइरूवेट का बहुत सारा फेट है। पाइरूवेट सिर्फ एसिटाइल कोलाइन बनके थोड़ी क्रेब्स साइकिल में सिर्फ थोड़ी उसका फेट है, और भी बहुत सारा फेट है पाइरूवेट। पाइरूवेट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कार्बन स्केलेटन फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, सो कहने का मतलब बायोकेमिस्ट्री समझने के लिए, पूरे पाथवेज को समझने के लिए आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लगाना पड़ेगा, सिस्टमेटिक अप्रोच लगाना पड़ेगा। जैसे इसीलिए इसको सिस्टम बायोलॉजी का नाम दिया गया, सिस्टम बायोलॉजी, सिस्टमेटिक्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं जीनोम, प्रोटीन, ग्लाइकोम, लाइपोडोम, मेटाबोलोम और सबका डेटा जो भी ऑब्टेंड हुआ सबको हम एक पूरा कंप्यूटर के माध्यम से पूरा उसका स्टडी किया जाता है। आप किसी को इंटरेस्ट होगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स से सब, तो आप देखोगे कि एक जीनोम में कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है जीन का इन ऑल काइंड्स। जैसे आप मोटा मोटी समझिए, जीनोम सीक्वेंस कर लिया, ओके, अब जीनोम सीक्वेंस कर लिया, देर आर सॉफ्टवेयर, सुपर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर देयर टू आइडेंटिफाई द जीन्स, प्रोबेबल जीन्स इन दिस जीनोम, क्योंकि जीनोम आपका 97% जंक है, 3% ही काम का चीज है, वो 3% भी पूरा बिखरा हुआ है फ्रेगमेंट्स में, और कैसे बिखरा हुआ है, इंट्रोन एक्जोन, इंट्रोन एक जीन में बहुत पॉलीसिस्ट्रोनिक है, इंट्रोन भी है, कितने इंट्रोन है, कितने एक्जोन है, कहाँ पर इंट्रोन का बाउंड्री है, कहाँ एक्जोन का बाउंड्री है, ये पूरा हॉच पॉच है। और पूरा इवोल्यूशनरी प्रोसेस, बिलियंस ईयर्स ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस की वजह से कितने सारे वायरस जो है आपके जीनोम का हिस्सा बन गया, और आप अभी भी कैरी कर रहे हो। आपका डीएनए का 97% जो है जंक है, वो कहां से आया, जंक, इकोलाई का जंक थोड़े है डीएनए, आपका जंक है डीएनए 97%, इकोलाई का 100% उसके काम का डीएनए। तो प्रोकैरियोट से जब यूकैरियोट लाइफ है, बहुत सारे वायरसेस, ठीक है, इन देयर लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, अगर कभी सिलेबस में होगा वायरस के बारे में पढ़ाना, दो तरह का साइकिल होता है, लाइटिक लाइसोजेनिक। तो लाइसोजेनिक साइकिल में वायरस का जो जीनोम है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है न्यूक्लियस के जीनोम में, उसमें जाकर के इंसर्ट हो गया, ठीक है। अगर आरएनए वायरस है तो आरएनए का फिर डीएनए बन गया, उसके सेलुलर मशीनरी को यूज करके डीएनए जाके इंसर्ट करेगा। डीएनए वायरस है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डीएनए से वो रेप्लिकेट किया बहुत सारा कॉपी, एंड सम ऑफ द कॉपीज विल गो एंड इंटीग्रेट इन द जीनोम। तो आपका जीनोम जो है वो बहुत ही ज्यादा चितकबरा है, समझिए, बहुत सारा उसमें 97% जो जंक जो क्रिएट हुआ है वो इतने, और चूंकि ये इनहेरिटेबल है, डीएनए तो जब इनकॉर्पोरेट हो गया डीएनए लेवल पर इंफॉर्मेशन, तो क्या होगा, वो जनरेशन में पास होगा, रेप्लिकेशन होगा, तो इतने सालों से वो पास होते गया। तो ये एक तरह से हम लोगों को फायदा भी पहुंचाता है, जंक डीएनए जो है एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है। पहले कहा गया जंक है, कोई काम का नहीं है, लेकिन जंक भी काम का है। अगर जंक डीएनए ना हो तो आदमी कैंसर से मर जाए, फिर बहुत सारा म्यूटेशन होता रहता है, धूप में आप निकलो थोड़ी देर, उतने देर में कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो जाएगा, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन बैकग्राउंड में हो गया, फिर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म आया, वो काम कर गया, ठीक है, उससे भी बच गया, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म से भी छूट गया वो। तो उसके बाद क्या संभावना है उस म्यूटेशन की होने में, कि 97% तो जंक है, 3% यूजफुल है, तो म्यूटेशन ज्यादा कहां पर होगा, किस रीजन में होगा, जंक रीजन में होगा, तो हम बच गए उसके खराब प्रभाव से, तो शॉक एब्जॉर्बर है। तो इस पूरे बायोलॉजी को समझने के लिए, लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स अप्रोच है, यानी हम डेटा उठाए जीनोमिक्स से, ठीक है, जीनोम का सीक्वेंस कर लिया, उसका फिर उसमें जंग डीएनए का पहचान किया, इंट्रोन एक्जोन बाउंड्री का पहचान, जंग डीएनए का पहचान तभी होगा जब इंट्रोन एक्जोन बाउंड्री को आप डिफाइन कीजिएगा, फिर उसके बाद इंट्रोन एक्जोन बाउंड्री को डिफाइन करने के बाद आप फिर आप फ्रेम शिफ्ट में देखोगे, 3 फ्रेम शिफ्ट होता है, 1, 2, 3, क्योंकि 3 एंटीकोडोन है, थोड़ा सा आप चेंज कर दोगे तो 3 तरह से पढ़ा जा सकता है। तो फ्रेम शिफ्ट में तीनों कॉम्बिनेशन में देख लिया कितना जीन आ रहा है। फिर एक तरीका क्या है, एयूजी स्टार्ट कोडोन है मेथियोनिन का, ओके, तो सॉफ्टवेयर लुक्स फॉर द एयूजी कोडोन, पूरा बिलियंस ऑफ सीक्वेंसेस जो है डीएनए का, उसमें
it finds where the AUG is. जहां भी AUG मिला, that means it is, it can serve as a start codon. एक संभावना है. कोई जरूरी नहीं है कि स्टार्ट होगा ही, जहां भी AUG स्टार्ट होगा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए अदर सीक्वेंसेज आर ऑल्सो नेसेसरी. ठीक है, लेकिन AUG मिल गया तो एक प्रोबेबल कैंडिडेट है वो जीन का. तो इसी तरह से अप्रोच लगा के जीनोम में ये सर्च कर लिए. अब जीनोम का डेटा आपके पास है, प्रोटियोम का डेटा आपके पास, कितने तरह के प्रोटीन है, उस सब का अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस के आधार पर आप प्रोबेबल उसका मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो. बना सकते हो, मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस बना सकते हो. तो मैसेंजर आरएनए से आप बैक कैलकुलेट उसका डीएनए का सीक्वेंस भी डिटरमाइन कर सकते हो. तो देन व्हाट यू विल डू, यू विल फ्रेगमेंटाइज दिस सीक्वेंस इन ए शॉर्ट 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 फ्रेगमेंट, क्योंकि इंट्रॉन एक्सॉन रीजन होगा. नाउ यू विल क्रिएट कंप्यूटर में ही फ्रेगमेंट बना लिए और वहां पर उसको डायरेक्शन दे दिए, प्रोग्रामिंग है कि आप जाके हाइब्रिडाइज करो. जहां भी आपको बेस पेयरिंग रूल मिल रहा है, पूरे होल जीनोम में एक फ्रेगमेंट है, वो हाइब्रिडाइज करेगा टू ए स्पेसिफिक जोन ऑफ द रीजन ऑफ द क्रोमोसोम. Then you will find the gene. तो जितने भी प्रोटीन है उसका जीन है, इसका मतलब जीनोम में कहीं छुपा हुआ है, उसको खोजिए. तो एक तो यहाँ से प्रोटीन का सीक्वेंस है, वहां जीन खोजा गया. उसके बाद भी प्रोटीनों में बहुत सारा प्रोटीन छूट गया है उसका, लेकिन जीन है मौजूद. तो इस तरह से फाइंड आउट करते. फिर ग्लाइकोम है, ग्लाइको प्रोटीन, उसका जीन ढूंढाएगा. ओके, तो एक होलिस्टिक अप्रोच है, ये सब सिस्टमेटिक्स के अंदर आता है. स्टडी करोगे आप चैप्टर 15 में डिटेल में पढ़ेंगे. एंड इट इज अ वेरी न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और काफी इसमें काम हो रहा है. बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट दिमाग सब लगेगा इसमें और काफी सुपर कंप्यूटर और दिस दैट, काफी ज्यादा टेक्निक एडवांस करना पड़ा. माइक्रो एरे, डीएनए सीक्वेंसिंग, बहुत तरह का आप आगे पढ़ोगे इतना समय है. Discussing has begun to offer important insights into the overall regulation of the metabolism. तो कहने का मतलब सिस्टम बायोलॉजी जब हम पढ़ने लगे, यानी पूरा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, the data obtained from the genome, the study of the genome is matched with the data obtained from the study of proteome. फिर इसका डेटा फिर उससे मैच, उससे मैच, इससे मैच, सबको मैच कर करके कौन किसका प्रोडक्ट है, कैसे किसका इंटरलिंक है. एक को एक, अब सिस्टम बायोलॉजी में ये भी है, एक जीन को नॉकआउट कर दिए. ओके, इन योर एक्सपेरिमेंटल एनिमल मॉडल यू नॉकआउट वन जीन. नाउ सी द इफेक्ट, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, व्हाट इज द कंडीशन दैट इज गेटिंग गोइंग टू बी डेवलप इन दैट एनिमल, इन योर एनिमल मॉडल. सो यू विल फाइंड अबाउट द that gene product is crucial, whether that gene product is crucial for the life or not of that. Suppose that gene product is crucial and you have knocked out, so what will happen, that person will, that animal will not survive or a life threatening condition will may occur. So system biology ab ho gaya, is samajh gaya. Cells also regulate the synthesis of their own catalysts, the enzymes, in response to increased or diminished need of metabolic product. ये अब ये बात कर रहा है जीन लेवल पर, जो कि हम अभी आपको बता दिए. एक तो हो गया प्रोटीन लेवल पर, इसका प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली प्रोटीन को ही इनहिबिट कर दे रहा है, जीन तक जा नहीं रहा है, प्रोटीन को इनहिबिट कर दे रहा है. दूसरा तरीका सेल ऐसे भी रेगुलेट करता है कि सिंथेसिस ऑफ देयर ओन कैटलिस्ट, यानी ट्रांसलेशन की बात कर रहा है. सिंथेसिस ऑफ एंजाइम मींस व्हाट, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन मीन व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन हुआ तब ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो इसका मतलब जीन एक्सप्रेस हुआ. In response to increase or diminished need of a metabolic product, this is the substance of chapter 28. The expression of genes means the translation from information in DNA to active protein in the cell. This is expression, and synthesis of enzymes are other layers of metabolic control in the cell. All layers must be taken into account when describing the overall control of the cellular metabolism. कितना तरह से देखिए रेगुलेट कर रहा है, जीन लेवल पर, प्रोटीन लेवल पर, एक लेयर, दो लेयर. ओके, बहुत सारा लेयर है
एक लेयर तो ये भी हो जाए, अगर मान लिया इसका इसको सबस्ट्रेट ही नहीं मिलेगा तो कैसे करेगा, सबस्ट्रेट को ही रेट लिमिटिंग बना दिया। मान लिया ये थ्रेओनिन भी जो है इज ए प्रोडक्ट ऑफ अनदर पाथवे, ओके, सो दैट एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट पाथवे इज टाइटली रेगुलेटेड, देन दैट मीन्स दैट एंजाइम ऑफ दैट पाथवे इज नाउ रेगुलेटिंग दिस पाथवे। सो बहुत तरह का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो आज यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, हमारा फिजिकल फाउंडेशन इज कंप्लीट नाउ। किसी को कोई सवाल करना है? सर रिपल इफेक्ट क्या होता है? रिपल इफेक्ट कहाँ पर है? यहाँ यहाँ पे, यहाँ पे, ये सिस्टम बायोलॉजी के ऊपर, सिस्टम कहाँ है? सिस्टम बायोलॉजी के ऊपर, फिफ्थ लाइन में, फिफ्थ लाइन में, उसके ऊपर फिफ्थ लाइन। यस सर, वहीं पे रिपल इफेक्ट, इन्फ्लुएंसिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल्स के पहले। यस सर, वही। हाँ वही। चांस इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी मेटाबोलाइट वुड स्टार्ट रिपल इफेक्ट, सॉरी, ए चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी मेटाबोलाइट वुड स्टार्ट ए रिपल इफेक्ट इन्फ्लुएंसिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल्स थ्रू अदर पाथवेज। रिपल का लिटरल मीनिंग है ए स्मॉल वेव और सीरीज ऑफ वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, स्पेशली एज कॉज्ड बाय स्लाइट ब्रीज और एन ऑब्जेक्ट ड्रॉपिंग इनटू इट। तो रिपल इफेक्ट, जैसे पानी में हिलोर मारता है, कंकड़ पत्थर कर दो तो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर आता है, दैट इज कॉल्ड एज रिपल। तो अगर कंसंट्रेशन में चेंज हो गया मेटाबोलाइट का, ठीक है, सपोज अभी यही तो बोला मैं, अगर रिएक्टेंट्स जो है यहां पर कम हो गया, ओके, रिएक्टेंट यहां पर रिएक्टेंट कम हो गया तो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ जाएगा के नजदीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मान लिया ये ज्यादा हो गया रिएक्टेंट, तो बी भी ज्यादा बनेगा, सी भी ज्यादा बनेगा, डी भी ज्यादा बनेगा, ओके। अगर ए थोड़ा सा कम हो गया तो उसी तरह से इफेक्ट जो है प्रभावित होगा, ए से बी की तरफ जाएगा, बी से सी की तरफ जाएगा, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, धीरे धीरे ये भी कम होते जाएगा। ए जैसे जैसे कंज्यूम होते जाएगा वैसे वैसे बी भी रिड्यूस होते जाएगा इसका सिंथेसिस, सी भी कम होते जाएगा, डी भी कम होते जाएगा, ई भी कम होते जाएगा। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज फिक्स्ड देन, अगर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ द ए इज देयर then it will not create the ripple effect. But if the limited supply of the substrate is there, then slight change in the concentration of the reactants will create the ripple effect. मतलब उसका effect other intermediates पर भी उसी sequence में जैसे हुआ, ऐसा नहीं कि A का कम हुआ तो पहले उसके बाद तुरंत बाद D का कम हो गया, उसके बाद में B का कम हुआ, ऐसा नहीं हो रहा ना, क्योंकि A ही B में convert हो रहा है, तो ये ripple effect, A कम हुआ तो उसके बाद बी कम हो गया, बी कम हुआ तो फिर सी कम हो गया, सी कम हुआ तो फिर डी कम हो गया। देखो एक वो आजकल बच्चे लोग खेलते हैं उसको क्या बोलता है, लकड़ी का सब लगा देता है, एक गिराता है तो खट 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 करके सब गिरते चला जाता है, देखे हो कोई वीडियो ऐसा? यस सर, दैट इज ऑल्सो रिपल इफेक्ट, एक को गिराया सब धीरे धीरे गिरता चला गया, एक में कम हुआ कंसंट्रेशन, फिर धीरे 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 सब भी आगे स्लो होते चला गया, डिम होते चला गया, यही है इस मतलब इसका रिपल इफेक्ट, ओके, इज इट क्लियर? ये छूट कैसे गया, मैं पढ़ तो रहा था पूरा लाइन बाय लाइन, ये छूट कैसे गया यहाँ पर, देखो यहाँ तक हम तो लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं ये, लेकिन ये नहीं पढ़ पाए। मेटाबोलिज्म वुड बी बेटर रिप्रेजेंटेड एज अ वेव ऑफ इंटर, ये सिस्टम बायोलॉजी को समझाने के क्रम में ये छूट गया यहाँ, रिपल इफेक्ट, ओके, अब समझ में आ गया आपको? यस सर। चलो आज क्लास क्लास